तो इतना वो क्यों है इतना, आप तो भाग रहे हैं, बताइए तो आप मतलब किस तरीके जाके बात कीजिए ना। हमें इस काम की जिम्मेदारी और को बना दिया क्या आप? आप लोग हम शामिल हैं, हमारे से क्या बात करो, उनसे करो, वहाँ बोल रहे। आप गए नहीं थे, आप कहाँ से आए हैं? आए कौन सी जगह से? आप डर क्यों रहे हैं इतने? डर नहीं क्या बात है? डरने की क्या बात है, कौन डर रहा है? नहीं, आपको हाथ हाँ तो मैं मेरे से क्यों बात करूं, उनसे बात करूं, जहाँ जलसा हो रहा ना, पॉलिटिकल नहीं, कल तो कुछ नहीं, आप पॉलिटिकल कर लोग कह रहे हैं इतने डरे हुए क्यों हैं? अगर मदरसा अंदर आ रहे हैं तो लाइब्रेरी होगी, किताबें मिलेगी, पेन कॉपी मिलेगी, अंदर ऐसा क्या मिलेगा जो डर रहे हैं? कुछ लोग पकड़ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जूते चप्पलों से पीटिए। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पहले से लाइब्रेरी है और रहेंगी, तो डर कहाँ का है? कुछ लोग कह रहे हैं चप्पल जूते से मारी। नहीं नहीं, अगर सीधे सीधे कह रहे हैं कि चप्पल जूते से स्वागत करिए, ये आप लोग कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। आज मैं देवबंद में मौजूद हूँ, इसी देवबंद में आज मदरसों के सर्वे को लेकर तमाम मौलाना इकट्ठे हुए, उन्होंने बैठकें की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है, आदेश दे दिया है कि मदरसों में अक्टूबर 5 तक सर्वे होगा। 10 सितंबर से शुरू हुआ है और अधिकारी अब इसी तरीके से मदरसों में जा रहे हैं। यही वो जगह थी आज जहाँ पर रहीशिया मस्जिद में तमाम जो मौलाना थे, मौलवी थे, संचालक थे, वो आज यहाँ पहुँचे। कुछ लोग भी और भी जो इस वक्त आए हैं, आज आप शामिल हुए थे जो सर्वे के बारे में जो मीटिंग हुई, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, भारी संख्या में लोग आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? हम शामिल हैं, हमारे से क्या बात करो, उनसे करो, वहाँ बोल रहे। आप गए नहीं थे, आप कहाँ से आए हैं? आए कौन सी जगह से? आप डर क्यों रहे हैं इतने? डर रहे क्या बात है? डरने की क्या बात है, कौन डर रहा है? नहीं, आपको हाथ हाँ तो मैं मेरे से क्यों बात करूँ, उनसे बात करूँ, जहाँ जलसा हो रहा। अच्छा, तो जलसे में क्या कुछ हुआ आज? मैं नहीं शरीक था है? मैं शरीक नहीं था। आप शरीक ही नहीं हुए? मैं तो अंदर से आए हैं आप तो अभी? ना, अंदर से आया, खत्म हो गया इतने में जलसा। खत्म हो गया, और भी लोग अंदर से आ रहे हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। अंदर से लगातार लोगों को आने का जो सिलसिला आप देख सकते हैं, भारी संख्या में आज यहाँ पर लोग पहुँचे थे। जो सर्वे को लेकर यहाँ पर आज बैठक हुई, तमाम मौलाना संचालक यहाँ पर आए। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। क्या हुआ आज, किस तरह का फैसला हुआ अंदर? बहुत बड़े बताएंगे बड़े। आप भी अंदर से कौन सी जगह से आए हैं आप, क्या नाम है? गुलाउठी बुलंदशहर से हैं। बुलंदशहर से, तो क्या हुआ, आप भी संचालक होंगे मदरसों के, किस तरीके से? संचालक है मदरसे के। अच्छा, तो साथ में है उनके, साथ में आए आप, इतना डरे हुए भाई साहब, आप तो संचालक हैं, आज क्या कुछ हुआ आप? वो अंदर सब जवाब दे देंगे, सब अंदर जवाब दे दिए। बताइए तो सही, आज क्या हुआ, क्या सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर्वे तो होना चाहिए, सर्वे करा रहे हैं, सर्वे से तो कोई इनकार नहीं कर रहा। तो इतना वो क्यों है इतना, आप तो भाग रहे हैं, बताइए तो आप मतलब किस तरीके जाके बात कीजिए ना। हमें इस काम की जिम्मेदारी और को बना दिया क्या आप? आप लोगों ने क्या सुना आज, क्या बात हुई? कुछ नहीं, आज कॉन्फिडेंशियल रहा, बहुत कॉन्फिडेंशियल रहा है। अंदर से वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब देंगे अंदर। अच्छा, तो क्या कुछ फैसला निकला आज, क्या सर्वे अब होना चाहिए? सर्वे हो रहा है, सर्वे करा रहे हैं, सर्वे से कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग ये उन्हीं से जाके बात करें। अच्छा, तो ये देखिए, आप भी आज यहीं पे शामिल हुए, क्या बात हुई? मैं दारुम सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, तो आज तो बहुत लोग आए यहाँ, वो हमारे लोग आज तकरीबन आए होंगे। इससे बहस नहीं, दारुम सिक्योरिटी गार्ड को कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं। तो आप देख सकते हैं कि और भी जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन बोलने से कतरा रहे हैं। आप भाई साहब यहीं पढ़ते हैं कि कहाँ पे पढ़ते हैं? यहीं पढ़ता हूँ। तो क्या ये जो सर्वे की बात चल रही है, ये होना चाहिए कि नहीं? स्टूडेंट है मैं, कोई वो नहीं है इससे। अच्छा, पता नहीं, आप भी तो मदरसे में ही पढ़ते हैं ना? पढ़ते तो हैं भाई हमारे तो। ये भी बोलने से आप, तो आप देख सकते हैं अंदर अभी भी कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि जो बैठक थी, जो आज होनी थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, और अब लोग यहाँ से देखे, दूर दराज से लोग आए, वहाँ पर भी बैठे हुए कुछ लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि क्या आज निकला, किस तरीके से बात हुई, इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ। भाई साहब, आज तो बैठक हुई सर्वे को लेकर, क्या कुछ निकला, क्या कुछ बातचीत हुई? पता नहीं है भैया। कहाँ से आए आप? आप आगे चले जाओ। क्या मतलब आए ही कहाँ से? आगे चले जाओ, यहीं आया हम तो। अच्छा, तो आज क्या बातचीत हुई, सर्वे हो कि ना हो? तुम आगे चले जाओ, हमने कहते हमें पता नहीं कुछ भी, मतलब बताने के लिए बोलने के लिए मना किया क्या? नहीं। तो क्या डर, ऐसा क्या बात हो गई, बोलिए तो कुछ। बोलो, क्यों ना हो, बोलने में परेशानी है, घबराने की। आप कहाँ से आए? बुलंदशहर से आए? नहीं, ग्रेटर नोएडा से। नोएडा से आए, इतनी दूर? हाँ। तो क्या फैसला हुआ आज? यही फैसला हुआ कि मतलब सफाई सुथराई बढ़िया तरीका से, मतलब पढ़ा में अड़ से काम है। मतलब इसमें आपको लग रहा है सरकार की मंशा अलग अलग है कि जो सर्वे करा रही है वो सही मंशा से करा रही है? सरकार की मंशा का मतलब, सरकार तो वैसे करवा रही है, मंशा मतलब गलत। अच्छा। कहीं इसमें गड़बड़ा दी पढ़ा में, ये गलत तरीका से पढ़ा रहे बता रहे हैं, तो ये तरीका थोड़ी है कि उग्रवादी पढ़ रहे हैं। इसमें तो तालीम ही दी जा रही है ना, कोई भी चीज़ है धर्म की, कोई भी चीज़ है कई में तालीम ही दी जाएगी। यही फैसला हुआ आज भी कि तालीम दो और
शेखसादेव। तो इसका समर्थन है सर्वे का कि इसके खिलाफ है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, सर्वे अचानक हुआ, एक आदेश हुआ और उसके बाद सर्वे शुरू कर दिया? सर्वे का समर्थन में है कि इसके समर्थन में नहीं है? नहीं, समर्थन में हम थे इसका, मतलब कुछ और तरीके से होना चाहिए था, दूसरी तरीके से। हाँ, तो इस तरीका से हुआ तो और अच्छा हुआ था। क्या आपको लग रहा है कि भेदभाव है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मंदिरों का भी सर्वे कराओ, जो शिशु मंदिर है उनका भी करवाओ। हाँ जी, उनको करवाएंगे भाई, उनकी सरकार चल रही है, मुसलमान को करवाएंगे। तो आप भी संचालक हैं मदरसे के? ना, आप ग्रेटर नोएडा से आए। तो कह रहे हैं भाई साहब साफ कि चलिए सर्वे हो रहा है, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, और भी लोग उधर से आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तमाम लोग यहाँ पर अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चलिए जो सर्वे हो रहा है होना चाहिए, लेकिन सही मंशा से। सर, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि चलिए सर्वे हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन मंशा सही होनी चाहिए, आप किस तरीके से? सारी बातें वहाँ पर आ चुकी हैं, सर्वे हो रहा है, हम उसका स्वागत भी करते हैं, जरा हमारे बड़े कह रहे हैं, और जो भी टीम आएगी हम उसका स्वागत करेंगे और अच्छी तरह से उनके साथ पेश आएंगे, यही बात है। और क्या है इसमें, तो सरकार की जो मंशा है उसके पीछे आपको लगता है कि सही है कि कुछ गलत है? थोड़ा सा ये इसमें भाई, सरकार अच्छा ही करती है, इसमें गलत का क्या मामला हो सकता है? सरकार अपने आवाम के लिए अच्छा करती है बस। आप किस तरीके से देखते हैं सर, आप कहाँ से आए? मैं तायद करता हूँ, इनके साथ ही हूँ। अच्छा, हाँ। किस तरीके से देखते, क्या फैसला आज हुआ जो इन्होंने कहा, वही वही बात है। आज क्या फैसला हुआ अंदर? फैसला यही हुआ कि जो सरकार जो सर्वे के लिए भेज रही है तो सर्वे बिल्कुल इत्मीनान से कराइए, बिल्कुल कोई बात नहीं, 11 कॉलम है, 11 के 11 भरवाओ। अच्छा, 11 कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत कोई नहीं है। कोई ऐसा कॉलम जो आपको लगे कि इसमें गड़बड़ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जो कमी होगी कमी भी उसमें आप दर्ज कर दीजिए ताकि वो आगे जाके सही हो जाए। हाँ, मगर लिखो बिल्कुल साफ सुथरा, साफ सुथरा, बिल्कुल हाँ, साफ सुथरा, सच्चाई के साथ। कई लोग तो कह रहे हैं कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं मदरसे में कि वहाँ पे ऐसी जो तालीम होनी चाहिए उससे अलग अब काम चल रहा है, कुछ नफरत की बात कर रहे हैं, इस तरह के कई नेताओं ने भी ऐसी बयान दिया? यहाँ कोई ऐसी बात नहीं आई, किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही कि जो इस सर्वे के खिलाफ हुई हो, सबने उसकी मुआफ़त में बात करी और ये कहा कि बिल्कुल सर्वे अगर हो रहा है उसमें खैर ही है, उसमें अच्छा ही है, और कोई कमी होगी तो उसको दूर करिए आप लोग, कमी को दूर करना है। हाँ बिल्कुल साफ। लेकिन कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि योगी तो अलग नजर से देख रहे हैं कि हिंदू हिंदू मुसलमान सब अलग, मैटर हमारे कहने का नहीं है, आप वो जानेंगे जो कमी को कह रहे होंगे, हमारे सामने तो ये सब बातें आई हैं, पूरे प्रोग्राम के अंदर किसी ने कोई खिलाफ बात नहीं करी। हाँ अच्छा, साफ तौर पर पॉलिटिकल नहीं, तो कुछ नहीं, आप पॉलिटिकल कर लोग कह रहे हैं इतने डरे हुए क्यों हैं? अगर मदरसा अंदर आ रहे हैं तो लाइब्रेरी होगी, किताबें मिलेगी, पेन कॉपी मिलेगी, अंदर ऐसा क्या मिलेगा जो डर रहे हैं? कुछ लोग पकड़ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जूते चप्पलों से पीटिए। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पहले से लाइब्रेरी है और रहेंगी, तो डर कहाँ का है? कुछ लोग कह रहे हैं चप्पल जूते से मारी। नहीं नहीं, अगर सीधे सीधे कह रहे हैं कि चप्पल जूते से स्वागत करिए, ये आप लोग कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। कहा उन्होंने भाई साहब की चप्पल जूते से ये कोई आया? अंदर अंदर की पूरा निजाम बाकायदा भरा हुआ है, आप उसको देख सकते हो, किसी ने एक बात ऐसी नहीं कही। ये जो कह रहे हैं बाहर की खबरें हैं, बिल्कुल झूठी है। रशीद रशीदी मौलाना है, बहुत बड़े हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कोई मदरसे में अंदर आए तो उनका चप्पल जूतों से स्वागत करिए, इस तरीके से घुसती नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं, हम तो पूरा प्रोग्राम सुनकर आए हैं। हाँ तो अंदर तो सही है, बाहर के मौलाना है, वो दिल्ली में रहते हैं। नहीं, हमें बाहर वालों क्या मालूम, हम तो प्रोग्राम की बात बता रहे हैं। क्या बात, आप लोग भी हमारे ही तो हो, उसमें क्या बात हो गई? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी भाषा बोल रहा है क्या, उनको संयम बरतना? हमें नहीं पता कौन बोल रहा है ऐसा, आप कह रहे हैं हमें नहीं पता। साजिद रशीदी का आपने सुना नहीं है? नहीं 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 नहीं, कोई साजिद ने जान नहीं, साजिद रशीद नाम के बड़े मौलाना आप उन्हें जानते? नहीं नहीं, कोई साजिद रशीद नहीं है, उन्होंने इस तरह का कोई बयान ही नहीं दिया। मैं सुना दूं आपको, जाओ दिखाओ यहां का यहां पे थोड़ी है, वो तो बाहर हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। कौन से? अरशद रशीदी? साजिद रशीदी? साजिद रशीदी को हम जानते भी नहीं, हम नहीं जानते। कोई ऐसा दे रहा तो उन्हें नहीं देना गलत, हम तो उसके खिलाफ है। अगर कोई देता तो इस तरह का बयान क्यों, क्या पहुंचे अंदर पहुंचते भाई? आज क्या फैसला हुआ अंदर? तुमने कहा अंदर, तुमने क्या सुना हुआ अंदर? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए सर्वे, या इसमें कुछ और तब्दीलियाँ? बढ़िया, 11 कॉलम है, उसमें कुछ आपको आपत्ति किसी पे? नहीं, आपने नहीं सुना अंदर, आपने क्या मसला रखा? क्या बात, क्या सुन क्या है? मीडिया की तो एंट्री, तुम बताओ ना, हम तो बाद में बताएंगे, क्या बताएंगे भाई? मीडिया की तो एंट्री नहीं थी। क्यों, बड़े बड़े दम, तो कितने कहाँ से आए आप? मेरठ से। तो आप भी मदरसे के संचालक हैं? जी नहीं, हम तो वैसे ही घूमने के तौर पे। अच्छा, घूमने के तौर पे आए। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या सर्वे होना चाहिए, या सरकार की मंशा सही नहीं है, वो गलत तरीके से? जब हम साफ सुथरे हैं, क्या दिक्कत है? बस सर्वे किस टाइम कर लो, जब हम साफ सुथरे हैं, हमारे अंदर कोई वो नहीं है, तो हमें क्या डर है? लेकिन कुछ मौलाना कह रहे हैं कि चप्पल जूतों से स्वागत कीजिए, जो अगर मदरसे के अंदर सर्वे करने वाली टीम आ रही है। मीडिया कह रही है? उलमा कहाँ कह रहे हैं? मीडिया कह रही होगी? उलमा कोई नहीं कह रहा, उलमा कुछ रसीद मीडिया है क्या? तो आप कह रहे होंगे, कोई नहीं कह रहा। सुना दूँ आपको, सुना दूँ, सुन के जाइएगा ना आप, मीडिया क्यों कहेगी? मीडिया बना दे उल्टी।
क्या ऐसे बयानों से बचना चाहिए? देखिए ये देखिए क्या बोल रहे हैं, इनको तो जानते ही होंगे आप, वैसे बहुत काफ़ी बड़े मौलाना है ये तो टीवी में भी लगातार दिखते हैं, आप लोग भी देखते हैं ना। चप्पल जूतों से स्वागत कीजिए। उनसे पूछ सही बात है क्योंकि आपने उनसे सही बात तो वहीं पर चलेगा। आप नहीं इसका आप इस ऐसे बयान के विरोध में है कि पक्ष में? नहीं ऐसे बयान तो विरोध में है, गलत है बयान तो, लेकिन उनसे पूछो इसके बारे में क्या मामला है, क्यों कहा, क्या कहा भाई, पूछो ना आप जाकर उनसे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी, सारी बात खत्म हो जाएगी, उनसे जाके पूछ लो ना आपसे मिल लो आप हमसे क्या पूछो, इंगे तिंगे धक्के खाते भी रहे तुम। आपके आप क्या देखते हैं जी, क्या होना चाहिए सर्वे की? नहीं आप कहाँ से आए? मेरठ से है। मेरठ से काफी लोग आज मेरठ से काफी आए। हाँ मेरठ से काफी आए। तो मेरठ में भी सर्वे शुरू हो गया, काफी मदरसों के अंदर जा रही है सर्वे टीम, आप लोगों के अंदर मदरसे के अंदर भी आई कि नहीं? ना अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। अच्छा तो कौन कौन सी जो बातें हैं उन पर आपत्ति रही और किसके पक्ष में रहे खड़े? अभी मालूम नहीं, हमारे इलाके में आई नहीं टीम। अच्छा तो आप इसके खिलाफ है कि पक्ष में? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, मतलब अगर तालीम मिल रही है तो साफ सुथरे तरीके से मिले। कुछ मदरसे ऐसे हैं जो मदरसे के नाम पर धर्म के नाम पे कुछ गलत चीजें भी करते हैं, उन लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं? लगनी चाहिए, जो गलत है उन पे तो लगनी चाहिए, जो फर्जी है जो फर्जी है बस। कुछ लोग आपको लगता है कि गलत तरीके से काम करते हैं मदरसों के नाम पर, आपको लगता है कुछ लोग गलत भी करते हैं? नहीं कोई गलत क्यों करेगा, बहुत खबरें आ रही है जुट्टे आ रही सब। अच्छा तो देख सकते हैं कि तमाम लोग अपनी राय रख रहे हैं, कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार की बात है, और तमाम लोग यहां पर है। इस वक्त मैं दिखा दूं कि यहां पर पीछे भी जो है भारी संख्या में लोग आज यहां से आए थे और अब धीरे धीरे यहां से निकल रहे हैं, हम लोगों की राय जानने लग रहे हैं, कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं तो कुछ लोग इससे गच्चा काटते नज़र आ रहे हैं, साइड हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अंदर ही आप पता करते हमसे क्या पूछ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है इस पर। और जैसे ही कैमरा देखते हैं कि कुछ लोग तो रुक भी जाते हैं अचानक, पता नहीं ऐसा क्या सवाल पूछ ले। तो सवाल तो बड़ा सीधा है कि सर्वे होना चाहिए कि सर्वे नहीं होना चाहिए। तो इधर भी भाई साहब हैं, ये भी भाई साहब, कौन से आप, कौन सी जगह से आए हैं आप? यहीं से, सहारनपुर। सहारनपुर से, नजीबाबाद से। तो क्या अंदर बात हुई, क्या कुछ फैसला निकला अंदर? बस तो जैसे मशवरा, बड़ों का मशवरा का, वो हिसाब से क्या हुआ अंदर मशवरे में? मैं अंदर था नहीं, बाहर था। आप अभी तो अंदर से आए, आप बोल ही नहीं रहे, क्या कुछ निकला भाई साहब, सर्वे हो या ना हो, सीधी सी बात? अंदर हम तो गए नहीं, ड्राइवर हैं गाड़ी के। हैं? आपसे क्या अंदर नहीं गए? आप तो अंदर गए, आप तो दिखाई दे रहे थे अंदर। कौन कह रहा? आप नहीं थे? नहीं। तो अभी कहाँ से आए? नमाज पढ़ के। नमाज पढ़ गए भाई साहब, सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मदरसों का सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए तो सर। बोलना तो इस वक्त आप देख सकते हैं अंदर जो लगातार लोग आ रहे हैं वो भी हमारे साथ है। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? कांदला। कांदला से आए हैं, क्या राना कांदला? जी हाँ। वो तो बड़ी मशहूर जगह है। जी हाँ, मोहम्मद साद भी वहाँ से ही रहे। जी तो आप किस तरीके से देखते हैं जो सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या बात अंदर निकली? जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है। सही कर रही है। हाँ। मतलब लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भाई योगी तो सही नहीं कर रहे, वो तो हिंदू मुसलमान का। किसने लोग सवाल ओवैसी सवाल उठा रहे? वो उठा रहे तो ओवैसी। हम खासकर जो है जमीयत के साथ हैं, दारुल उलूम के साथ हैं, जो दारुल उलूम ने कहा वही हक है। तो क्या आज बात पे अमल किया जाएगा? क्या बात हुई वो उलमा बताएंगे। अच्छा हम गए थे लेकिन जिस तरीके से मौलाना ने बात की है वही करेंगे, इसके सिवा कोई नहीं करेगा। साजिद रशीदी हैं, वो कहते हैं कि चूते चप्पलों से स्वागत करो, कोई अंदर घुसेगा तो सर्वे टीम का कोई भी आदमी आए मारो उनको। दारुल उलूम ने कहा है कि बिल्कुल सबको आने जाने का हक है, क्योंकि यहाँ के बाशिंदे हम हैं और वो भी यहाँ के बाशिंदे हैं, इसलिए सबको हक है, दारुल उलूम हो या कोई छोटा इदारा हो, सबको सब जाने के लिए हक है, कोई वो नहीं है कि रुकावट हो किसी। यार ऐसा क्या है, इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, अरे सर्वे कर रहे हैं तो आने दीजिए ना आप, कॉपी किताबें होंगी, लाइब्रेरी होंगी, पेंसिल होगा और के अंदर क्या होगा? बिल्कुल यही मिलेगा, कहीं भी चले आप हम भी चले। डर इतना क्या है? डर है ही नहीं कहीं भी, कहीं भी डर कर रहे हैं, कहीं लोग देखा तो कहीं रिपोर्टर को मार रहे हैं कहीं, वो तो आदत है उन लोगों की। आपको लगता है वो लोग की मंशा ठीक नहीं है जो ऐसा काम कर रहे हैं? गलत, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, किसी भी धर्म से हो और किसी भी संस्था हो या दारुल उलूम से हो या कहीं से भी, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद, आपने बहुत सच्ची बात बोली, लेकिन लोग बड़ा बोलने से कतरा रहे हैं, और लोगों से बोलता हूं तो बोलने से पीछे जा रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे, ऐसा क्या मना कर दिया गया? नहीं नहीं नहीं, सबका अधिकार है बोलने। उलमा ने बाहर आकर रिपोर्ट दी है पूरी, मौलाना अरशद मदनी ने, मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने भी, इसके सिवा जब वो दे चुके तो हमारे क्या बात रही,
तो हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है बोलने की। लगातार सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि फंडिंग पता नहीं कहाँ से आती है, इनको इसकी जांच होनी चाहिए। हर वक्त तैयार है दारुलूम भी और तमाम इदारे तैयार हैं। तो देख सकते हैं साफ तौर पर राशिद नाम है जी, मोहम्मद राशिद ने अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहा, बड़ी बेबाकी से वो बोले कि जांच होनी चाहिए, हम तो सब तैयार हैं और इस तरह की बातें ऐसा कुछ नहीं है। जो लोगों की सोच है वो अपनी सोच है, तो इस तरह की जो बात थी वो लगातार यहाँ पर देखने को मिली। और भी लोग हैं जो लगातार आ जाए और सब अपनी राय यहाँ पर रख रहे हैं, बड़ी बेबाकी से बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या बातचीत हुई अंदर, क्या कुछ निकला? ये सबसे पहले तो यही हुआ है कि जो सर्वे का जो हवा बनाया था उसमें सीधा ये है कि हम लोग जो भी मदारी चला रहे हैं उसका हमारे पास में क्लियर हिसाब किताब हो, और जो इस्लाम का शार था सफाई का, स्वच्छता का, लोगों के साथ अखलाक का बर्ताव करने का, उस पर हम अपने पे कायम रहें, और उसमें हमारे साथ में जो अड़चने आती हों उन अड़चनों को हम दूर करने की कोशिश करें। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया? अरे आ रही थी सर्वे टीम, आने दीजिए, उन्होंने देख लेंगे वो क्या कुछ है। सर्वे टीम का मुद्दा नहीं बनाया हम लोगों ने, हम तो कहते हैं कि हमारा सर्वे करो आप, लेकिन जब वो आते हैं और सवाल जवाब करते हैं और उन सवाल जवाब में बाल की खाल निकालते हैं, जो सामने बैठा वो आदमी तो अपने एतबार से तो जवाब देगा ना। आप अपने एतबार से सवाल करते हो और अपने एतबार से जवाब चाहते हो, जवाब तो वो होगा जो सही होगा, वो अपने एतबार से जवाब देते हैं और उनको कहते फिर आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो इस तरह की वजह से आदमी जो है ये सोचता पता नहीं क्या सवाल करें और उसका हम क्या जवाब दे दें और उसका रिजल्ट हमारा क्या निकले। तो आपको लगता है योगी सरकार का जो ये फैसला है सर्वे को, ये बिल्कुल बिना भेदभाव के है, बिल्कुल सही फैसला है सर्वे कराने का इस वक्त? बिल्कुल सही बात है कि सर्वे सभी का होना चाहिए, जो भी संस्थाएं चल रही हैं हमारे देश के अंदर, जो भी संस्था चल रही है उसका सर्वे होना चाहिए और वो क्या काम कर रही है उसको भी देखना चाहिए। अगर वो लीक से हट कर काम कर रही हो, ये हमारी शरीयत के और आईन के यानी कि जो हमारा संविधान है उसके खिलाफ अगर कोई चल रही हो बात तो उस पर नकेल करनी चाहिए, और अगर सही चल रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आगे बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन कई ऐसे मौलाना भी है जैसे साजिद रशीदी हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई चप्पल जूतों से स्वागत करो, कोई इस तरीके से सर्वे टीम आए उनको अंदर मत घुसने दो, ये इस तरह की बातें आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए वो आलिम अपने एतबार से क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ना उनकी बात सुनी है ना मेरे सामने उनकी बात आई है, उन्होंने किस एतबार से कहा होगा, क्योंकि जैसे मान लो आप आए हो और मैंने कोई बात कह दी, आप इसका बात का बतंगड़ बनाएंगे, तो आदमी इस चीज़ से बचने के लिए कहता है कि इस तरह के अगर कोई मामले हो तो उनको सामने मत आने दो। और रही बात आप सीधे सीधे जाते हो सर्वे करने के लिए किसी संस्था के लिए, तो आप वहाँ जाओ रिजल्ट वो सामने ले। मैं कोशिश कह रहे हैं कि भाई ये तो भेदभाव हो रहा है, जो हिंदुओं की संस्थाएँ हैं, शिशु मंदिर है, मंदिर है, उसमें भी जाकर अब सर्वे होना चाहिए इस तरीके से, सिर्फ मदरसों में सर्वे नहीं हो। नहीं देखिए अगर ओवैसी जी कह रहे हैं तो उनका कहना अपनी जगह है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो भी संस्था हिंदुस्तान के अंदर है, हमारे पास में है, सबका सर्वे हो और सब जो सही निष्पक्ष काम करें, जो भी गलत कर रहा हो, जो भी संविधान से खिलाफ चल रहा हो, अपनी शरीयत से खिलाफ चलो, क्योंकि शरीयत का हमारे लिए संविधान में व्यवस्था है कि आप इस पर पाबंदी कर सकते हो, आप उस पर पाबंद रह सकते हो, उस पर अमल कर सकते हो, लेकिन अगर कोई आदमी इस पर अमल नहीं करता है तो वो शरीयत के खिलाफ वर्जी कर रहा है। और आईन को मानना हमारे लिए देश में रहने के, देश का हमारा देश है तो उसमें मानना हमारे लिए फ़र्ज़ है, और अगर हम आईन के खिलाफ चलेंगे, संविधान के खिलाफ चलेंगे, तो ये भी हमारी गलत बात है। आपका क्या नाम है? इरफान अली नाम है मेरा, मास्टर इरफान अली हूँ। कहाँ से हैं? मैं किठोर से हूँ। हाँ, मेरठ जिला। आपने बड़ी बेबाकी से बोला। चलिए चलिए, सही, बिल्कुल बिना लाग लपेट के। नहीं सही बात है, बात तो सही करनी, बात तो रखने का सबका अधिकार। नहीं सही बात है, बिल्कुल। तो इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। आप कहाँ से आए भाई साहब? नहीं हम यही स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट। कैसी पढ़ाई चल रही है? अच्छा चल रही है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी तालीम चल रही है। हम थोड़ा तरीके से हैं। नहीं हम अच्छा थोड़ा जल्दी में हैं, तो पढ़ाई वाले लोग हैं। तो आपने देखा, और मैं कहूँगा पूरा एक जूम करके पूरी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिए, कि किस तरीके से तमाम लोग आज यहाँ पर आए थे और यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, तमाम लोग आज आए थे और यहाँ पर मशवरा हुआ, बात हुई कि आखिरकार सर्वे पर क्या होना चाहिए। तो तमाम जो लोग हैं वो बाहर आकर यही बात कह रहे हैं कि सर्वे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, जो भी सवाल पूछेगी, लेकिन बाल की खाल अगर कोई निकालता है तो वो भी बात ठीक नहीं है। इस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं, तो तमाम लोग आज इस तरीके से यहाँ पर आते नजर आए थे। और अंदर आकर हमने लोगों से उनकी राय जानी, उनसे बातचीत करी, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, कुछ लोग थोड़ा नाराज़ भी हुए। आप भी अपनी राय रखिए, आपको क्या लगता है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लगातार जुटे रहिए एडवाइस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।